हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। दोस्तों अभी सुबह के 5:30 हो रहा है और देखिए कृष्णा भी जग गया। कृष्णा, अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, कृष्णा भी जग गया। और चलते हैं अब हम बाहर। दोस्तों अभी कृष्णा भी जग गया है तो क्या हेलो को होता। हेलो, ऐसे कहता हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो चलिए अभी मैं टॉयलेट ब्रश व्रश हमारा हो गया, कृष्णा भी जग गया है। तो अभी दोस्तों 6:15 हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही है। तो अब चलते हैं सीधे टहलने। तो जैसा देख सकते हैं अब फ्रेश हो रहा है अभी। तो दोस्तों अभी 6:15 हो रहा है इस समय सुबह का, और कुछ इस प्रकार का व्यू देख सकते हैं, बादल लगा हुआ है मेघावनी जैसे। तो चलते हैं दोस्तों, आगे घूम के आते हैं और चलते हैं। आज जो है ना, आज पूरा लेकर उधर से आना है पूरा। तो चलते हैं, घूमेंगे, टहलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और पूरा लेकर के उधर से आएंगे। तो चलते हैं, अभी तो बादल लगा हुआ है मौसम, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है। ऐसा ही रहता है कि मेघ होता है कि धूप रहता है, पता तो चल ही जाएगा पूरा वीडियो देखने पर। चलिए दोस्तों फिलहाल अभी चलते हैं। फाइनली दोस्तों अभी आ गया पूरा के पास में, चलते हैं। ये सामने वाला पूरा है, इसमें से बांध लेते हैं एक बोझा। और दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो चुका है, तो अभी डायरेक्ट आ ही रहे हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में चलेंगे इधर से पूरा लेकर के। दोस्तों पूरा बांध लिया, रास्ता नहीं लाया हुआ था तो पूरा के गतेना बना के ही बांध लिया हूँ, पूरा के ही रास्ता बना करके। तो चलिए अभी दोस्तों फिलहाल चलते हैं उठा के घर पे। और दोस्तों बारिश जो है ना बूनी पड़ रहा है अभी, एगो दुगो फुनफुन आ रहा है, और बादल तो लगा ही हुआ है मेघोनी जबरदस्त। तो देख सकते हैं बादल चारों तरफ, थोड़ा भी मतलब धूप के नामा निशान नहीं है। तो अभी चलते हैं, अभी बूनी पड़ने लगा है अभी, तो फिलहाल उठाते हैं। उठा लिया दोस्तों पूरा को सर पे और चलते हैं। पूरा दोस्तों ज़्यादा भारी नहीं होता है, ये हौला होता है, बहुत भारी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं घर पे। तो दोस्तों यहीं पे रख दिए हैं, यहाँ से दूरा पर जरूरी होगा तो लेकर जाएंगे। यहाँ पे गोरा वोरा पत्थरता है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आ गया घर और देख सकते हैं अभी 7:15 हो गया है अभी। तो चलते हैं अभी, इसमें तो कुछ रखना नहीं है, इसमें खाली इस झोला में रखना है, झोला में। और एक गमछा को सरियाना है तो सब सरिया लेते हैं। और झोला में है ना प्लाजो लाजो सा रखना है, प्लाजो सेट सब वही सब रखना है, ओढ़नी सब ऐसा रखना है, तो रख लेते जो सा रखना है। तो अभी देखिए मैं क्या पहना हूँ, देख सकते हैं प्लाजो पहना हूँ मैं। बड़ी अच्छा लगता है, सूती कपड़ा है, पॉकेट वाला जो बेचता हूँ वही वाला है, तो बड़ी अच्छा है, बैठने में भी मस्त है। देख सकते हैं प्लाजो फैली है तो अच्छा तो लगता है, लेकिन प्लाजो है शर्म भी लगता है। नहीं होगा तो यही पहनेंगे घूमने फिरने के लिए, सही है। तो अभी सारे गमछा को सरिया लिया, झोला भी देख सकते हैं पूरी तरह से तैयार हो गया, और इसको भी सरिया लिया। ये तो सरिया ही हुआ था, इसमें खाली ब्लूमर ऐड किया हूँ बस, तो हो गया। और इसमें दो प्लाजो से लेगी रह गया है इतना, और इसमें जो है ना गमछा है, प्लाजो लाजो यही सब झोला। ये तो हो गया, टाइम दोस्तों अभी हो गया 7:45। दोस्तों अभी 10:15 हो गया है और अभी मैं खाना रखा कर तैयार हो चुका हूँ, माल भी इधर लोड हो गया है, देख सकते हैं। और गमछा लोड करना है तो गमछा लोड करते हैं। और 10:15 आज का मौसम देख सकते हैं, पूरी तरह से धूप है कड़ाकर। तो चलिए गमछा बांधते हैं और निकलते हैं। दोस्तों अभी घर से तो मैं निकल चुका हूँ और इस रास्ता से जो है ना माल लेकर के फर्स्ट टाइम बहुत दिन के बाद, लगभग 2-3 महीना 3 महीना के बाद जा रहा हूँ। यही तो दूसरे रास्ते से जाता था,
चलते हैं दोस्तों, घूमते हैं। कल तो आज मेरे आ गया, कल नहीं गया काम पे, और दूसरा काम भी था एक, इसके वजह से। तो देखते हैं, आज चलते हैं, फेरी करते हैं, कितना का सेल होता है पूरे दिन में। आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। फिलहाल चलते हैं दोस्तों, घूमते हैं। अभी हमारा बोनी हो गया, लगभग कितना बजे, 11:30 बजे बोनी हुआ है। 260 रुपये का सेल हुआ है ओढ़नी प्लाजो लाजो। अब चलते हैं दोस्तों, फिलहाल अगले गाँव में बोनी तो हो गया है, लेकिन बहुत सारे आइटम ख़त्म हो गया है, तो घूमने में मन थोड़ा कम लग रहा है। तो चलते हैं, जो है सही फेरी करते हैं। लेकिन उधार जो है ना, बहुत ज़्यादा उधार मांग रहा है सब। नहीं लगाते फिर भी जो पैसा दे देता है उसको, अगर नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जो पैसा दे देता है उसको देना पड़ता है। तो लगभग 140 रुपये का उधार देना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल घूमते हैं। 260 का सेल हुआ है और 140 रुपये उधार ही लग गया है। दोस्तों अभी टाइम 12:15 हो गया है, और अभी सीधे चलते हुए दो गांव पड़ा है, तो आए हैं अभी 100 रुपये गमछा और 60 रुपये का बंडी और कच्छा भी का है। तो दोस्तों 150 मानिए, 150 का सेल हुआ इधर, और उधर 260 यानी कि 400 का सेल हुआ, 410 रुपये का। और 12:30 भी 12:15 हो रहा है। तो रास्ता में आते आते 100 रुपये का फिर सेल हुआ है, बंडी कच्छा पैंट उंट सब। और अभी 1 बज रहा है दोस्तों, तो इस समय का भी कुछ इस प्रकार का दे सकते हैं। धूप भी है, हवा भी चल रहा है, मौसम ठीक है दोस्तों, लेकिन माल कम है ना, आइटम बहुत सारा आइटम ख़त्म हो गया, इसके वजह से मन थोड़ा कम लग रहा है। फिर तो टाइम अभी 2:30 बज गया है, और अभी ये गमछा खाली सेल हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैं घूमने का मुझे मन नहीं कर रहा है, बहुत सारे आइटम जो है ना ख़त्म हो गया है, और इसके वजह से भी। और दूसरी बात की दोस्तों, निगेटिविटी की वजह से, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि निगेटिव हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फेरी पर निकलिए, और हमेशा जो है ना पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच लेकर के हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ निकलिए और फेरी कीजिए, तो सेल अच्छा होगा। क्योंकि घर से जब निकलते समय अगर निगेटिव रहेंगे तो सेल भी जो है ना निगेटिव दिशा में ही होगा, लेकिन अगर घर से सकारात्मक सोच के साथ अगर घर से निकलते हैं फेरी पर, तो सेल भी सकारात्मक हिसाब से ही होगा, सही होगा, अच्छा होगा, सेल भी ज़्यादा होगा। तो यही हुआ है दोस्तों। और एक और बात, जब कोई काम हो घर पर तभी खाली बैठे, नहीं तो अपना काम में लगे रहे। कल जो है ना, कल हम बैठ गए, कल फेरी पर नहीं गए, कल बारिश थोड़ा बहुत लगा हुआ था, थोड़ा बहुत पड़ा, लेकिन उबेर ही रहा, लेकिन बिना काम के घर बैठे रह गए। इसकी वजह से ज़्यादा निगेटिविटी, ज़्यादा नकारात्मक बातें हमारे अंदर घुस गया, जिसके वजह से आज भी उसका असर हो गया है। और आइटम तो ख़त्म है ही बहुत सारा, इसकी वजह से भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आइटम मैं बेचता हूँ, अगर वो आइटम कोई कस्टमर खोजता है नहीं रहता है, तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे आइटम ख़त्म हो गया है, इसलिए घूमने का मन नहीं करता है। जैसे कि बंडी उंडी सब ख़त्म हो गया है। 100 बात की एक बात है दोस्तों, कि हमारे अंदर जो है ना नकारात्मक बातें ज़्यादा घुस गया है, इसकी वजह से मैं नकारात्मक हो गया हूँ, निगेटिव हो गया हूँ इसकी वजह से। और दोस्तों माल भी ख़त्म तो हो ही गया है, इस ये भी कारण है, क्योंकि अगर माल भरपूर रहता है, पूरा हमारे हिसाब से भरपूर माल रहता है, तो फेरी करने में मन भी लगता है और अच्छा लगता है। यही बात है दोस्तों। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं, घूमते हैं। अभी 2:30 हो रहा है, और देखते हैं इस समय से क्या होता है। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 4:30, और अभी सीधे चलते हैं घर की तरफ। और अभी तक टोटल सेल जो है ना 750 तक हो गया है, और मन न लगने के कारण निगेटिविटी और माल भी बहुत कम, इसकी वजह से मन आज नहीं लगा है काम करने में। तो अभी तक 750 का सेल हुआ है। फिलहाल चलते सीधे घर की तरफ,